नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कारण क्या होते हैं और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के सिम्टम्स क्या होते हैं और इरेक्टाइल डिसफंक्शन का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले, मेरे चैनल पर आप नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक ऐसी समस्या है जिसमें पुरुष के लिंग यानी पेनिस में संभोग के दौरान उत्तेजना नहीं होती है या फिर उसे बनाए रखने में परेशानी होती है या समस्या आती है। यह समस्या युवाओं की तुलना में अधिक उम्र के पुरुषों में होने की संभावना अधिक होती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन से प्रभावित पुरुष यौन इच्छा और इरेक्शन में कमी जैसी कठिनाइयों का सामना करता है। इसका प्रभाव सेक्स लाइफ पर तो पड़ता ही है, साथ ही पुरुष भावनात्मक रूप से भी स्वयं को कमजोर महसूस करता है। समय पर डॉक्टर की सलाह और उपचार से इस परेशानी को ठीक किया जा सकता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला प्राइमरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन और दूसरा सेकेंडरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन। प्राइमरी ईडी एक ऐसी विकट स्थिति है जिसमें व्यक्ति पूरे जीवन में इरेक्शन बनाए रखने में असमर्थ था। यह स्थिति बहुत कम केसेज में सामने आती है। नेक्स्ट है सेकेंडरी ईडी से प्रभावित व्यक्ति में इरेक्शन पहले हो रहा था लेकिन अब किन्हीं कारणों से इरेक्शन नहीं हो पा रहा है। इस समस्या से पीड़ित ज्यादातर पुरुषों में यह लक्षण सामने आते हैं। इसे दवा या सर्जरी व अच्छे आहार के साथ साथ साधारण जीवन शैली व इलाज करके सही किया जा सकता है। ईडी के कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन के शारीरिक या मनोवैज्ञानिक या फिर दोनों ही कारण हो सकते हैं। संभोग के दौरान पुरुषों के मस्तिष्क, मांसपेशियों, रक्त वाहिनियों, हार्मोन और नसें सभी शामिल होते हैं। इन सभी में से किसी में भी समस्या उत्पन्न होने पर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की स्थिति पैदा हो सकती है। शारीरिक कारणों की बात करें तो मुख्य रूप से ब्लड प्रेशर संबंधी रोग इसके कारण हो सकते हैं। हार्ट डिजीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, नींद से जुड़े रोग, एथेरोस्क्लेरोसिस, हाई बीपी, डायबिटीज जैसी शारीरिक स्थितियां लिंग के रक्त प्रवाह को प्रभावित करती हैं। अब जानते हैं मनोवैज्ञानिक कारण। योनि ट्रॉमा मनोवैज्ञानिक मुद्दों के कारण भी होता है। स्ट्रेस, पोर्न की लत, चिंता, डिप्रेशन, रिश्ते में अपनेपन की कमी महसूस होना, सेक्स परफॉर्मेंस एंजाइटी, सेक्स परफॉर्मेंस को लेकर टेंशन, पोषण की कमी, शराब का अधिक सेवन, फिजिकल एक्टिविटी की कमी या व्यायाम न करना, खराब खानपान, ये कारण हो सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो इसके ट्रीटमेंट में ओरल मेडिकेशन दी जा सकती हैं जिन्हें आप जो है ले सकते हैं। और इसके ट्रीटमेंट में आपको हार्मोन थेरेपी भी दी जा सकती है और आपकी मनोवैज्ञानिक सलाह काउंसलिंग की जा सकती है। अगर आपको ट्रीटमेंट से आराम मिलता है
तो जो है आप दवाओं से ठीक हो जाते हैं। अगर मनोवैज्ञानिक कारण होता है तो आप जो है ठीक हो जाते हैं, और अगर आपको ट्रीटमेंट से आराम नहीं मिलता है तो ऐसी कंडीशन में आपको पेनाइल इम्प्लांटेशन भी कराना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस संबंध में या किसी अन्य समस्या के लिए आप मेरे से परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अब लेता हूं विदा, मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।